इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैन मेड मून के बारे में, यानी मेड इन चाइना मून. क्या है ये मेड इन चाइना चांद, दिखाएंगे इसी वीडियो में. आप देख रहे हैं टेक टक, मैं हूँ श्रुति शर्मा. अगर आपसे हम कहें कि अब आने वाले वक्त में करवा चौथ का चांद आप अपनी मर्जी से देख पाए, तो जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आपको बता दें कि चाइना अब जल्द बना रहा है मेड इन चाइना मून. जी हाँ, मैन मेड मून. चाइना 2020 तक बना रहा है अब अपना चांद, जो कि फिलहाल टेस्टिंग में है. इस चांद को रियलिस्टिकली आसमान में भेजा जाएगा और वो वहां शामिल होगा असली चांद और सितारों के साथ. और आपको बता दें, ये कोई करवा चौथ के लिए नहीं किया जा रहा है. ये चांद हर रोज फिलहाल चाइना के एक शहर चेंगडू में ही लगाया जाएगा उसके आसपास, ताकि जो वहां की स्ट्रीट लाइट्स हैं उनसे जो खर्चा होता है वो बचाया जा सके. तो वो स्ट्रीट लाइट्स का काम करेगा चांद, जो यहाँ सिटी में, शहर में लगाया जाएगा. ये मेड इन चाइना मैन मेड मून एसेंशियली एक सेलेस्टियल बॉडी होगी, जो कि इल्यूमिनेटेड सैटेलाइट होगी. इसमें रिफ्लेक्टिव कोटिंग होगी, जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो लाइट के तौर पे अर्थ पे आएगा. वहीं आपको बता दें, ये जो मैन मेड मून होगा, ये एसेंशियली जो नॉर्मल मून है उससे 8 गुना ज्यादा ल्यूमिनस होगा, ज्यादा लाइट देने वाला होगा. वहीं आपको बता दें, ये जो मैन मेड मून होगा, यानी मेड इन चाइना मून, ये जो धरती है उससे ज्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल चांद है वो लगभग 3,80,000 किलोमीटर दूर है धरती से. और ये जो मून होगा, जो मैन मेड मून होगा, इसकी दूरी होगी धरती से सिर्फ 500 किलोमीटर पर. साइंटिस्ट का मानना है कि जो चेंगडू शहर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में, वो बचेगी, और उसका जो सालाना खर्चा है वो है लगभग $173 मिलियन. जी हाँ, इतना पैसा बचेगा अगर ये मैन मेड मून जो है, ये चांद इतनी रोशनी चेंगडू को दे पाएगा कि ये स्ट्रीट लाइट्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एक तरह से अच्छा तरीका है बिजली का खर्चा बचाने के लिए. और वही साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसी कोई स्थिति आती है जहां सुनामी है या भूकंप आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि सारी जो स्ट्रीट लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी जगह की, उस शहर की, चले जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है. तो उस वक्त में भी ये जो मैन मेड मून है रोशनी दे पाएगा, और ऐसी स्थिति में भी एक मददगार चीज ये साबित होगी. साथ ही साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि 2020 तक तो ये चेंगडू शहर में आ जाएगा, लेकिन लगभग और 2023 या 25 तक भी ये मून बाकी के चाइना शहर में लगाए जाएंगे. यही नहीं, चेंगडू में जब 2020 में ये चांद बन जाएगा, इसके साथ 3-4 चांद और शामिल होंगे, और बाकी शहरों में भी ये चांद लगा दिए जाएंगे. और वो दिन दूर नहीं होगा कि दुनिया में बाकी जगहों पर भी अब सभी जो कंट्री है अपने चांद बनाएगी और खर्चा बचाएगी, या कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें ये जो मैन मेड मून है वो मददगार साबित होगा. लेकिन फिलहाल आप जो असली चांद है, तब तक उससे काम चलाइए और उसका मजा लीजिए.